तो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल अभी एलेक्स ब्लॉग्स पर। तो जैसे आपने देखा होगा, बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पाए हैं क्योंकि हमने पुराना घर छोड़ दिया, नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो बहुत बिजी चल रहे थे। पर आज हमें मौका मिला है अपना भी, अपने आप को भी फ्रेश करने का, थोड़ा रिलैक्स होने का, क्योंकि पटियाले में लगा है मेला। तो हम कहाँ जा रहे हैं अभी? मेला देख रहे हैं गुगड़ू के साथ। तो अभी आपको भी लेके चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं कौन कौन से गेम्स हैं, झूले वगैरह मजे करेंगे। तो वहीं मिलते हैं अभी आपको सीधा मेले में। क्यों टूर लगेंगे? गड्डी भी लगेगी। अरे अंदर एक एक झूले के तो गाइस अभी मेले में पहुंच चुके हैं और टिकट है यहाँ पे, एंट्री टिकट रख रखी है कितना? 30 रुपए एक बंदे के अडल्ट के, मतलब ऐसे में सोचो हाइट छोटी है तो फ्री में कुछ जाओगे, अडल्ट हो तो पैसे लगेंगे। तो चल भाई टिकट ले और निकलते अंदर, फटाफट लेके आ। तो गाइस हमने ले लिया टिकट, 30 रुपए की एक टिकट है एक बंदे की ब्रो, है ना, पकड़ो। एंड गाइस जैसे ही हम यहाँ पर मेले में एंटर करते, इतना प्यारा व्यू आता है ना यहाँ का। एंड हम जानबूझ के शाम के 4 से 5 बजे के अराउंड गए थे क्योंकि हमें दिन की भी वीडियो चाहिए थी और शाम की वीडियो चाहिए थी। आप अपने प्रेफर टाइम पे आ सकते हो, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप शाम के टाइम पे आओ, बहुत सही लाइटिंग हो जाती है, ठंडा माहौल होता है एकदम। एंड गाइस यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज है करने के लिए मेले के अंदर, जैसे कि इतनी सारी राइड्स है ना, बहुत मजा आने वाला है आपको, आप जरूर ट्राई करना। यहाँ पे एक मिनी रोलर कोस्टर भी है। एंड गाइस यहाँ पे रॉक एंड रोल चेयर्स भी है और पीछे फेरिस व्हील भी आपको दिख रहा होगा और कोलंबस भी है यहाँ पे झूला, जिसको आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, आपको मिस मत करना। और शाम के टाइम तो फेरिस व्हील से बहुत ज्यादा अच्छा व्यू आता है गाइस। एंड गाइस यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए मिकी माउस भी है, भाई साहब जंपिंग जपांग करते रहेंगे पूरी दिन। और यहाँ पर हॉर्स वाली राइडिंग भी है, ये पूरा राउंड सर्कल घूमती है। और इसके अलावा यहाँ पर भूत बंगला भी आपको मिल जाएगा, कैमल राइडिंग भी मिल जाएगी अगर आपको ट्राई करनी है। कैमल राइडिंग मैं रिकमेंड करूंगा, बहुत सही है। और थोड़े मनोरंजन के लिए यहाँ पे डीजे भी लगा हुआ है, जिसके सामने आप डांस भी कर सकते हो, एक छोटा मोटा स्टेज है ये। एंड गाइस ये है मेले का एक छोटा सा, आप इसे गेमिंग जोन कह सकते हो, जो कि हर मेले में आपको मिल जाएगा, जहां पर बच्चे आके तो भाई पूरे पागल हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्रकार की आपको गेम्स मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर ये नंबर वाली गेम्स मिल जाएंगी, बॉल्स डालने वाली, एंड ये रिंग वाली भी गेम मिल जाएगी यहाँ पे। एंड गाइस शूटिंग वाली भी गेम है यहाँ पे। एंड गाइस यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल है, मतलब पूरी मार्केट लगी हुई है, जहाँ पर बच्चों के खिलौने से लेकर कपड़ों से लेकर कॉस्मेटिक से लेकर नेल फाइनिंग भी करवा सकते हो आप यहाँ पर, नेल आर्ट भी होता है यहाँ पे। तो गाइस सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर फ्लाइंग हॉर्स वाला झूला, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे थोड़े, लेकिन मेरी हालत यहाँ पर भी टाइट हो जाती है क्योंकि भाई मैं पहले ही बता देता हूँ, खाना खा के ऐसी राइड्स मत लेना, हालत खराब हो जाती है। गुगड़ू देखो कैसे डर रहा है थोड़ा थोड़ा, ये तो मैं इससे ज्यादा डर रहा था, देखो मेरी आ गई हालत भाई, मैं तो फ्रीज हो गया था एक ही जगह पे, मेरी यहाँ पे थोड़े से चक्कर वक्कर से आ जाते हैं मुझे, बट ठीक है, मजा बहुत ज्यादा आ गया हमें यहाँ पे। और भाई साहब अभी भाई भी यहाँ पर झूले ले रहे हैं। तो गाइस फ्लाइंग हॉर्स वाले झूले के बाद में हमने सोचा कि भाई फेरिस व्हील ट्राई करते हैं, मैं बड़ा एक्साइटेड था इसके लिए, इवन दो मेरे को चक्कर आ रहे थे वो हॉर्स वाले झूले के अंदर, बट मैंने सोचा स्टिल एक बार करके देखते, क्योंकि पहले मैंने एक बार करा था, बहुत मजा आया था। तो भाई साहब सीधा चलते हैं हम इसके अंदर। Thank you.
गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरी हालत खराब हो चुकी थी हॉर्स राइडिंग में ही। भाई साहब यहाँ पर और ज्यादा हालत खराब हो जाती है, झूला रोकना पड़ जाता है बीच में क्योंकि मैं वॉमिट कर देता हूँ भाई साहब बंदों के ऊपर। इसलिए आप लोग देख सकते हो मैं तो भाई सीधा जाता हूँ बेंच पे बैठता हूँ, मुझे चक्कर आ रखे थे भाई साहब, वॉमिट हो गई थी, हालत ही खराब हो गई थी, देख लो मेरी शक्ल पे ही दिख रहा है आप सबको। गाइस इसके बाद में जो ध्रुमिल है उसको भाई साहब ये वाला झूला बहुत ही पसंद आ जाता है, मिक्की माउस वाला। इसके अंदर हम उसे बिठा देते हैं, भाई साहब पागलों की तरह इधर चढ़ने लग जाता है, मज़े करने लग जाता है। सबसे ज़्यादा अगर मज़े लिए होंगे मेले के अंदर झूलों में तो भाई साहब वो है ध्रुमिल। इससे ज़्यादा मज़े किसी ने लिए नहीं, आप लोग देख लो खुद। एंड गाइस फ्रेशन अप होने के लिए हमने यहाँ पर जूस पी लिया क्योंकि भाई मेरा सर ऑलरेडी चकरा रहा था, तो मैंने सोचा भाई जूस पी लेता हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। तो सब ने मिलके यहाँ पे गन्ने का जूस पिया है, भाई मज़ा ही आ गया इसको पी के। तो एंड गाइस बैकग्राउंड में जो डीजे बज रहा था जो हमने दिखाया था आपको, उसकी वजह से हमारे माइक में बहुत डिस्टर्बेंस आ रही थी, इसलिए ऑडियो बहुत गंदी आ रखी थी, इसलिए हम ज़्यादा बोल नहीं पा रहे और मुझे डब करना पड़ रहा है अब, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो हम जब जूस पी लेते हैं उसके बाद में जाते हैं यहाँ पर सीधा हॉन्टेड हाउस में, जिसके अंदर बहुत स्वाद मज़े आने वाले हैं आपको। डरते थोड़ा ही है, आगे से चंडली को उन्हें भाई कहाँ घूम रहे हैं, फ्रंट कैमरा बैक में भाई भूत बंगले में घूम रहे हैं, भूत बंगले में इनके हाल देखो सबसे। अरे चप्पल दे, अरे चप्पल दे भाई, अरे चप्पल दे भाई, चप्पल दे दे, ओ भाई साहब चलो चलो, अरे वो आगे बदला लेगा, चलो चलो चलो, अरे वो बदला लेगा। एंड गाइस इसके अंदर तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है भूत बंगले में। इसके बाद हम यहाँ पर से ट्राई करते हैं कैमल राइडिंग। जैसे कि आपने हमारे प्रीवियस व्लॉग्स में भी देखा होगा, हमने कैमल राइडिंग मुंबई में भी करी थी जिसके अंदर भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, बट उससे ज़्यादा थोड़ा यहाँ पर मज़ा आ रहा है इसके अंदर क्योंकि भाई साहब इतनी सारी पब्लिक यहाँ पर देखने वाली। और भाई साहब गुगड़ू ने जो मज़े लिए हैं ना यहाँ पर कैमल राइडिंग में, उसके तो अलग ही हैं। अब वो देखो पहली राइड कर चुका है गुगड़ू यहाँ पर ध्रुमिल हमारा, अब जब हम बैठेंगे यहाँ पे वो तब भी आएगा। मतलब मैं सच बोल रहा था भाई आप लोगों को, जितने मजे ध्रुमिल ने लिए है ना इस मेले में आके उतने किसी ने नहीं लिए।
सेव जोन समझ लीजिए इसका प्लेस। हेलो भैया हाय कर दो, चल चल तो अभी हम खेलेंगे इसको। तो खेल रही है, खेलेगी ना निकलना सात सात और बारह क्या ख्याल है चौदह चल चल ये लास्ट है। हो कितने हैं? 18 नाम है। अरे भैया 18 नाम निकला है रे। 18 क्या 50 वापिस। ये क्या हमें 50 पड़ी भाई। रुक जा भी आगे रखे घेर आगे रखे उसके पास थोड़ा दूर। हाँ थोड़ा दूर थोड़ा दूर और थोड़ा दूर और थोड़ा दूर। अब छोड़ दो जा हो क्या कराइए और अरे मनुष जगह कर दिया मनुष और बहुत जल्दी नाम देने की बात। अब हमने जो प्रैक्टिस करी थी इतने साल रिंग डालने की आज उसका एग्जाम है और ये रिंग डालेंगे तो देखते हैं कितने पानी में हम लोग। रुझा इधर देख पढ़ना चाहिए नाम चल चल किस पे डाल रहा है डाल किसी ने भी डाल जाओ जाओ ये क्या करा तूने बोतल गिर गई। अरे अरे पर्दा पर्दा नहीं पूरा जाना चाहिए वो बाहर है। अरे आराम से फेंक ले उसको डाले दे पूरे फिर डाल दे चल 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 रियल ये रियल लाइफ प्रो देख लो एक चुन्नी ने जीती इसने। अब लेडीज लोग आ गई हमारी चलो चलो दीदी ये लो भुवन अबे पकड़ो जल्दी मैं नहीं जल्दी आओ ये बंद रहा तू बंद लेकर बुवन चक्के बंद लो। अरे डालो तो सही क्या कर रहे तुम लोग अबे कहीं तो डाल लो अबे कुछ तो ये साबरी ले लो ये 10 रुपए की मैं असि और खेल लांगे दुखा खाली दिवा मार रही है देखी नहीं गया ना अंदर जाना चाहिए ये छह रिंग में छह चीजें बाहर है कि देख तो डाल दू ले फिर प्यार हो जाए भैया। अरे भैया वीडियो खराब हो रही है भैया वाह ट्राई थी मैं हवा चेक कर रहा था ऊपर गिर गई गलत रखी हुई है या गलत रखी हुई है मैं ट्राई कर रहा हूं अभी 3 रिंग अभी भी है ना।
गिरती है, ये गिरती है, इक्को ही करा चुने पचास रुपए निकलना है, थोड़ा हार्ड है ब्रो। चल चल ये भी तीन हो जाएंगे, पेमेंट करती ना डाल दिए डाले और अबे तीन एक और टिंपा आ गई तुम रहने रहने एक दे दे इसको कंचर। अरे भाई क्या तो को भाई खा रहा है, ये सांप के ऊपर था, ये सांप के ऊपर रुला आ गया, ये डाल पकड़ देखो, चल चल नाम ले क्या जय भगवान। अरे भैया गिर गया गिर गया गिर गया, निकाल लिया हमारी लोंडिया ने, हमारी लोंडिया ने चौको लोको पाई निकाल ली भाई। तो गाइस वहां पे रिंग में अपनी महारत दिखाने के बाद हम लोग तो कितने हम तेज हैं इतने पता लग गया आज, और वो लोंडिया चौको पाई जीत के चली गई भाई हमारे रिंग से मांग मांग के। तो अभी उसके बाद हम आया यहाँ पे बनने बंदूक बाज, अभी बंदूक बाज बनेंगे, इनाम पक्का निकालेंगे, क्योंकि हम खेलते हैं ये लोटा खेलता है पबजी जीजीएमआई में, बहुत तगड़े बंदे मारता है, अभी इसमें ना निकले ना भाई वो तेरे चांडे बजाऊंगा, इतने चांडे भाई ऐसा निशाना है ना मेरा डायनोमो की, इधर तू भी दबा दे, ओ ओ भाई टीडीएम प्लेयर, ओ टीडीएम प्लेयर, अब यहाँ पे तुम्हारे ताने नहीं लगे, अगर इतने चांडे बजाऊंगा तुम्हें, इतने चांडे चल जाऊंगा, चांडे बजेंगे तुम्हारे, चांडे क्या बजेंगे, वाओ अभी देखते हैं हम कितने पानी में यहाँ पे भी है। अरे गोरे कैसे मिलेगा, तो माची तो गिरी है, तुम चलाओगे एक आधी गोली, पूरे कराएंगे लाएंगे पूरी, अरे दो प्रूटी हो गई बाबा, अरे हम है बीजेएमआई प्लेयर रियल में भी, हम भी दो फ्रूट निकलाई तेरी लस्सी हो जाएगी भाई बीजेएमआई, अरे है फ्रेश है ना, है तो फ्रेश ना, अब देखते हैं टीडीएम प्लेयर, अब देखते हैं टीडीएम प्लेयर, उसको दो गोली दे चलाने के लिए, चल जा मेघू, बस बस मेघू खेल, मेघू खेल ना, अब आ गई चंबल फूलन देवी आ गई, मैनू सोच इसने भी निकाल दी, ना ना बहुत नन्नू, अबे की बार देखना पिछली बारी कहां है, तो अगली बार देख के मार, ये चंबल की डाकू और ये टीडीएम प्लेयर दोनों फेल, और हम दोनों क्लासिक और डीजल लेके ड्यूटी निकाली है, क्या बात, वो छोटू ने लिया है स्पिनर, तू ले रहा है गुगलू, तूने क्या लिया है गुगलू, काले लिए काले, उठाले 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 मेरे बच्चा, मम्मा को दे दे, मम्मा को दे दे, गाइस हमने यहाँ पर की थोड़ी बहुत कोरोना की शॉपिंग, उसने लिया ये स्पिनर, गुगड़ू ने लिया ये। एंड गाइज इतना सारा इंजॉय करने के बाद, मजे करने के बाद हमने सोचा भाई थोड़ी भूख लग रही है, थोड़ा खाना खाते हैं, तो यहाँ पर कैंटीन थी यहाँ पर, तो हमने सोचा कि थोड़ी आलू टिक्की खा लेते हैं, बर्गर वगैरह खा लेते हैं, तो सब बैठे आराम से पेट पूजा करी हमने यहाँ पे।
एंड गाइस डीजे वाले भाई के पास कोई नाच नहीं रहा था, लेकिन ध्रुमिल ने बोला नहीं भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास में मोटिवेशन देने के लिए डीजे वाले को, और ध्रुमिल आके डांस करने लग जाता है। भाई साहब मजा ही आ गया हमें तो यहाँ पे पूरा। एंड गाइस पूरा मेला जब हम घूम लेते हैं उसके बाद जा रहे होते हैं तो बीच में हमें मिल जाता है एक फोटो स्टैंड यहाँ पर, जहाँ पर हम फोटोज़ खिंचवा सकते हैं अपनी। तो हमने कुछ फोटोज़ क्लिक करी हैं, आप भी ज़रा देखो। तो गाइस फाइनली हमने मेला घूम लिया है पूरा अच्छे से, मज़ा आया, फैमिली के लिए अच्छा है, छोटा सा है पर अच्छा है, आ सकते हो आप। पर देखना थोड़ा रात हो जाना, मतलब शाम और रात के बीच के टाइम में आओ, लाइटिंग वाइटिंग होती है अच्छा आ जाता है, उसके पहले इतना मज़ा नहीं आता है। और दूसरा काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई, उसके लिए एक बार और आपसे माफ़ी मांगते हैं, अगली वीडियो जल्दी जल्दी डालने की ट्राई करेंगे। तो आप इस मेले में आइए, अच्छा मेला है, फैमिली के लिए घूमिए फिरिए, इसके अंदर झूले बहुत सारे हैं, कैमल राइडिंग है, भूत बंगला है, डांस के लिए फ्लोर बना रखा है, खाने पीने का थोड़ा ठीक ठाक है, इतना वो भी नहीं बोलूंगा कि बहुत गंदा है, पर अपना देख लेना खाने पीने का, बाहर खा लोगे तो ज्यादा अच्छा है, बाकी यहाँ पे ओवरऑल सब कुछ अच्छा था। आइए घूमिए फिरिए मौज कीजिए, तो अभी आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम।